अल्लाहमानरिम टू डिस टॉपिक इज प्लेट्स टेक्टोनिक्स एंड मूवमेंट ठीक है जी ऑथर इसमें कहता है दिट इज अ रियलिटी डेट एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट्स फॉर वंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ठीक है एक टाइम था कि जब वर्ड जो था एक सिंगल यूनिट था ठीक है सिंगल मैथ था ठीक इसको ये फर्दर जो कॉन्टिनेंट्स डिविजन्स हैं जो अब हुई हुई हैं सेवन डिवीजन कॉन्टिनेंट्स की हुई हैं ये उस वक्त नहीं थी बिलियंस ऑफ द ईयर गो क्या था कि डैट वॉज इन अ सिंगल यूनिट सिंगल मैस और सिंगल मैस डैट इज नॉन एज पैंगिया ठीक है जिसको कहा जाता था पैंगिया एंड डैट इज़ नॉन एज पैंगिया क्लियर हो गया ठीक है फिर क्या हुआ था जब ये टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स हुई ये प्लेट्स जो थी इनकी मूवमेंट हुई तो इनमें क्रैक्स आए तो जिसके बाद डिवीजन हो गई थी इस पैंगिया के बीच में और वो डिवीजन हुई थी जिसकी वजह से वन यूनिट वन मैस को इट्स डिवाइडेड इंटू सेवन पार्ट्स ठीक है उस जो मोवमेंट ने था इन सिंगल यूनिट को सेवन यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया था जो कि अब कहलाते हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स या सेवन प्लेट्स ठीक है जिसमें अब रीज़न क्या था दैट वॉज द रीज़न दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट द कॉन्टीनेंटल मोमेंट्स ठीक है इंटरनल स्ट्रक्चर की जो मोमेंट हुई थी जिसकी वजह से ये सेवन कॉन्टिनेंट्स बन गए थे क्लियर हो गया अब वॉट आर द सेवन मेजर कॉन्टीनेंट्स प्लेट्स अब ये सेवन मेजर टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्या हैं ये वही प्लेट्स हैं जो कि कॉन्टीनेंट्स हैं सेवन ठीक है फ्रॉम द नाइनटीन सिक्सटी ऑनवर्ड ज्योग्राफर्स ने रिसर्च की ठीक है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर की तो उन्होंने क्या किया उन्होंने न्यू टर्म्स जो थी वो यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी इसकी न्यू टर्म्स फॉर द एक्सटीरियर कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ वो क्या थी नंबर वन दैट इज़ लिथोस्फीयर ठीक है एंड सेकेंड इज़ एस्थेनोसफेयर ठीक जो न्यू टर्म यूज़ की थी ज्योग्राफ़र ने फ्रॉम द नाइनटीन सिक्सटी इज़ कॉल्ड लिथोसफियर एंड अस्थेनोस्फियर वॉट इज lithosphere लेथोस्फियर दैट इज द अपर सर्फेस प्लस सॉलिड अपर पार्ट ऑफ मेंटल ठीक लेथोस्फेयर क्या होता है जो क्रस्ट है ठीक अपर सरफेस है और प्लस इसके सॉलिड पार्ट uh, जो है सॉलिड पोर्शन जो है वो मेंटल का डैट इज कंसीडर एज ट्रू है लेथोस्फियर अस्थेनोस्फेयर क्या होता है अपर जो कि अंडर द लेथोस्फियर होता है ठीक है इसके नीचे का जितना हिस्सा होता उसको है उसको अस्थेनोस्फेयर कहते हैं प्लस दैट इज़ द सॉफ्ट लेयर ऑफ द रॉक्स जो कि एज कंपेयर टू द लेथोसफेयर सॉफ्ट होती है ठीक है सॉफ्ट लेयर ऑफ द रॉक्स एज कंसिडर एज अस्थेनोस्फेयर ठीक हो गया